सत श्री अकाल जी, पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल, एक नज़र मारदे हां हुण तक दीआं खास सुरखियां ते। रूस वल्लों यूक्रेन उत्ते हमला लगातार जारी। यूक्रेन के गृह मंत्रालय ने दी जानकारी, कहा रूसी हमले में हुण तक 14 बच्चों समेत 352 यूक्रेनियन की मौत। यूक्रेन में फसे भारतीयों लई वड्डी खबर, भारत सरकार ने कौमांतरी यात्रा एडवाइजरी विच कीती सोध, कहा यूक्रेन तो वापसी करने वालों लई यात्रा शुरू करन तो पहला RT-PCR जरूरी नहीं। पंजाब विच 20 फरवरी नूं पईआं वोटां दे नतीजे आउण तो पहला मुख चोण कमिश्नर डॉक्टर एस करुणा राजू वल्लों लुधियाणा च प्रैस कॉन्फ्रेंस, कहा EVM मशीनां दी सुरक्षा लई कीते गए ने पुख्ता प्रबंध। हुण खबरां विस्तार नाल। रूस वल्लों यूक्रेन उत्ते हमला लगातार जारी है। इस दौरान यूक्रेन के गृह मंत्रालय ने कहा कि रूसी हमले में हुण तक 14 बच्चों समेत 352 यूक्रेनी मारे गए हैं। 116 बच्चों समेत 1684 लोग जख्मी हुए हैं। एक बयान में यह जानकारी दी गई है, पर उसने यह नहीं दसा कि यूक्रेनी हथियारबंद बलों के किन्ने जवान जख्मी हुए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने सिर्फ यह भी स्वीकार किया कि रूसी सैनिक हलाक हुए हैं, पर संख्या उन्होंने भी नहीं दसी। ब्रिटेन ने सोमवार को रूस के यूक्रेन हमले के जवाब में रूसी संघ के सेंट्रल बैंक खिलाफ वाधू आर्थिक पाबंदियां लगाने के अपने इरादे का ऐलान किया। रूस और यूक्रेन विचाले जंग रुकेगी या नहीं, इस बाबत अज फैसला हो सकता। असल में रूस नाल गलबात करने यूक्रेन का वफद बेलारूस की सरहद उत्ते पहुंचा है। रूस का वफद भी गलबात लई बेलारूस पहुंच चुके है। हाले स्पष्ट नहीं होया कि इस गलबात नाल कोई हल निकलेगा या नहीं। भारत के केंद्रीय मंत्री VK सिंह ने कहा कि रूसी हमले का सामना कर रहे यूक्रेन तो भारतीयों को कढ़ने लई मुहिम में तालमेल के वास्ते पोलैंड लई रवाना हो रहे हैं। उन्हें कहा कि जहाजा राही यूक्रेन का हवाई खेत्र बंद किए जाने दरमियान भारत कीव के गुआढ़ी देशों के रस्ते भारतीयों को कढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 केंद्रीय मंत्री यूक्रेन के गुआढ़ी देशों में पहुँच के भारतीयों की सुरक्षा में तालमेल की जिम्मेवारी दी है, जिसके अधीन पोलैंड किरण रिजिजू, स्लोवाकी हरदीप सिंह पुरी, जदों के ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया मेलदोवा में तालमेल करेंगे। यूक्रेन में रूस वालों लगातार हमले जारी ने, जिस कारण हालात बहुत ही नाजुक बने हुए हैं। इस दरमियान उत्ते फसे भारतीय नागरिकों सरकार वालों कढ़ाया जा रहा भारतीय नागरिकों की कौमांतरी यात्रा एडवाइजरी में सोध की गई है। सेहत और परिवार कल्याण मंत्रालय मुताबिक यूक्रेन तो देश वापस आने वाले लोगों लई यात्रा शुरू करने तो पहला RT-PCR जरूरी नहीं है, पर इत्थे आने मगर उन्होंने कोविड जांच करवानी होगी और 14 दिन की स्वय निगरानी में रहना होगा। मंत्रालय ने सोमवार को कौमांतरी यात्रा नाल संबंधित कोविड मापदंडों में सोध की है। पटियाला जिला प्रशासन वालों यूक्रेन में फसे विद्यार्थियों के लिए हेल्प डेस्क बनाया गया। इस मौके जानकारी देंदे पटियाला के SDM चरणजीत सिंह ने कहा कि जिले के हुण तक 36 विद्यार्थियों की सूची सामने आई है जो यूक्रेन में फसे हुए हैं। उन्हें कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों वालों लगातार विद्यार्थियों के परिवारिक मैंबरों नाल राबता रखा जा रहा है और समय के नाल नाल जानकारी साझी की जा रही है। क्राइसिस हो जी, सारे पता ही है जो यूक्रेन जो रशिया ने अटैक किया, ये वास्ते जो अपने जिन्हें भी स्टूडेंट्स ने उत्ते जिहड़े पढ़ रहे ज़्यादा मैडिकल ने या दूजे स्ट्रीम के ने जिन्हें भी फसे हुए हैं उन्होंने असी सहूलत वास्ते इतने DC ऑफिस वालों एक हेल्प डेस्क जोड़ा है वो स्थापित किया गया जी। 24/7 जो काम कर रहा है, सारी उन्होंने जी कॉल्स ने सुन रहे हैं और इन्हों का डेटाबेस एक जोड़ा है असं तैयार किया है, जिन्हें भी स्टूडेंट्स इदा के साडे जिले के जोड़े है वो फसे हुए हैं उत्थे, तो वो असी रेगूलर अपडेट करके जोड़ा है पंजाब गवर्नमेंट को भेज के ਉਹਨਾਂ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹਲਟੀਕਲ ਡਾਟਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ 36 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੀ। 36 ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਡਾਟਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ? ਹਾਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਊਗੀ ਔਰ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਔਖੀ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ MP ਔਜਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਲੋਕ ਫਸੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ,
अज अमृतसर के जिन्हें परिवार मेरे को जो लिस्टड से उन्होंने सारे अब बुला के उन्होंने माँ बाप को मिले और उन्होंने भरोसा दिता कि असं अपने वालों पूरी कोशिश कर रहे हैं और उत्थे बह के उन्होंने तो भी विचार लिया कि तुम की चाहते असी जी हेल्प कर सकी। मुश्किल हूँ इस गल की है कि जिमें खारगी जरा एरिया यूक्रेन का वो जिते बॉडर पोलैंड का खुला है ज रोमानिया का उतों तक आना बड़ा मुश्किल है ज 1500 किलोमीटर के करीब पै जाता 1400-1500 उन्होंने रशिया लागे पीता बैलारूस लागे पीता हूँ इन्हों की मसला यह कि तुम जी सरकार गल करके उन्होंने कहो जी बैलारूस या रशिया राही बच्चों क्ढ़िया जाए 50-60 किलोमीटर है कुछ एरिया जरा कीव का उधर सी लग जाता लागे वो सी के रस्ते भी जो रेड सी जो साडे जहाज खड़ोते हैं उन्होंने राही भी बच्चे क्ढे जा सकते हैं। सो मेरा मकसद है कि जी सरकार है वो गैर जिम्मेवाराना जो रोल अदा कर रही है जो इन्हों की फीलिंग तो मिले क्योंकि जो एंबैसी के ऑर्डर कोई देंगे ने रात में इन्होंने कहता जिमें कि तुम चले जाओ स्टेशन वालों चले जाओ या निकल जाओ हूँ सवेरे ऑर्डर कह रहे नहीं निकलो जो इन्होंने पता कि उत्थे शैलिंग हो रही है बंबार्डमेंट हो रही है जिन्ना चर तुहाडी किसी सरकार नाल गल नहीं मुकदी तुसीं अपनी एंबैसियां तों किवें ये ऑर्डर दे पास कर सकते। सो जिहड़े इन्हां दी एडवाइजरियां भी निकलदियां ने वो ग्राउंड हकीकत तों बहुत दूर ने एडवाइजरियां कढ दिंदे आ कि तुसीं पहले गूगल से अपना रजिस्टर्ड हो जी फिर तुसीं बॉर्डर नूं चलो जी हुण उत्थे ना कि इंटरनेट आ लाइट है नहीं गी बच्चे किस हालात ने तुहाडे कोल जदों इंडियन पासपोर्ट है तुसीं अपने बॉर्डरां दे उत्ते खड़े करो अपने एंबैसियां दे बंदे जिहदे कोल इंडियन पासपोर्ट है तुसीं रैकोगनाइज़ करो उहनूं चैक कर लो एक साइड ते बिठा के उहनां नूं अंदर करी जाओ। हुण पोलैंड दे बॉर्डर दे उत्ते जिहड़े आ उह मुश्किल आईआं ने क्योंकि तो उन्होंने कई गूगल राही नहीं डाउनलोड फार्म हो सके नहीं रजिस्टर्ड हो सके उन्होंने रिसीव नहीं कर रहे इतने बह के एडवाइजरियां जारी कर देंगे। दूजा एंबैसियां जिहड़ियां ने राशन पानी भी नहीं पहुँचा रही रसद मुक्की जा रही बच्चों के कोल बच्चों के पेरेंट्स जो बहुत मतलब घबराए हुए हैं असं उन्होंने सारे ने यही रिक्वेस्ट कर रहे कि तुम घबराओ ना असं अपने लोग पूरे एफर्ट कर रहे हैं और एक अद्धे दिन के असं जो दिल्ली जाके पूरा इन्होंने नाल कल पहुँचना है और सरकार के विरुद्ध असं एजीटेशन करना भी एजीटेशन भी करा अं बच्चे अपने इदा नहीं रहन देना। यूक्रेन के वख हिस्सों में फसे सिरसा जिले के करीब 16 विद्यार्थियों के मापिया ने सिरसा के डीसी अजय तोमर नाल मुलाकात की जिस दौरान उन्होंने अपने बच्चों की सुरक्षित घर वापसी की गुहार लगाई। दस दिए कि यूक्रेन में फसे इन विद्यार्थियों में ज़्यादातर खारकीव फसे हुए ने फिलहाल तो बात हो रही है पर बच्चे कह रहे हैं पता नहीं नेटवर्क कब बंद हो जाए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को। वहाँ का टेम्परेचर भी -5 डिग्री से लो है बेसमेंट में बच्चे हैं वहाँ हीटिंग सिस्टम नहीं है तो हमारी भारत सरकार से विशेष तौर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से हमारी गुजारिश है कि वो इस समय वर्ल्ड के आदर्श नेता हैं इसमें कोई संदेह नहीं है तो हमारी उनसे यही विनती है कि पहला नंबर तो सारे यूक्रेन के जितने बच्चे हैं सभी को जल्दी से जल्दी वहाँ से निकाला जाए। दूसरा नंबर है जो खारकीव के बच्चे हैं वो बिल्कुल रशियन बॉर्डर पर हैं वहाँ से पोलैंड रोमानिया हंगरी का बॉर्डर है वो 1200 से लेकर 1600 किलोमीटर दूर है वहाँ तो पॉसिबल नहीं है तो रशियन बॉर्डर मात्र 40 किलोमीटर है तो वहाँ से रशियन के बॉर्डर के थ्रू से निकालने की कोशिश करें। रूस और यूक्रेन दरमियान चल रहे युद्ध कारण यूक्रेन में पढ़ रहे भारतीय विद्यार्थियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पै रहा है। भारत सरकार वालों विद्यार्थियों को पोलैंड और होर दूजे मुल्कों में जाने कहा गया जिथे उन्होंने वापस भारत लिया जा रहा है। नाभा के पिंड अगौल का रहने वाला जगजीत सिंह यूक्रेन में काफ़ी मुशक्कत तो बाद पोलैंड दाखिल होया है। साढ़े पत्रकार अमरजीत सिंह ने उस नाल गलबात की है जिस दौरान जगजीत सिंह ने अपनी हड्डबीती बयान की है। ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਅਗੋਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨਾਭੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗੋਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੋ ਗਏ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਜੀ ਓਕੇ 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 ਭਾਜੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੀਵ ਚ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੇਨ ਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਲੱਗਿਆ 4-5 ਵਜੇ ਲੱਗਿਆ ਬਲਾਸਟ ਹੋਣ ਜੀ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਬੱਸਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀਵ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ 8-9 ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੜੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਲਵੀਵ ਲਵੀਵ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਟੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੋਲੈਂਡ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗੇ रूस और यूक्रेन दरमियान चल रहे युद्ध कारण यूक्रेन में पढ़ रहे भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षा खतरे में आ गई है। यूक्रेन के खारकीव में फंसे
भारतीय विद्यार्थी लगातार वीडियोज़ पा के सरकार तो मदद की गुहार लगा रहे हैं। उन्हें कहा कि सरकार ने हाले तक उन्हें तक कोई पहुंच नहीं की है। मेरा नाम अंशिका शर्मा है। इस टाइम असं खाली हाल के बैठे हुए हैं। सानू इतने बेसमेंट के बैठे हुए नतीजा हो चुके हैं। बाहर है जी सिचुएशन है वो दिन प्रतिदिन बहुत ही ज़्यादा खराब होने जा रही है। बच्चे ने जो साढ़े नाल बहुत ही ज़्यादा पैनिक होने जा रहे हैं। इतने सानू कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही है कि सानू बचाया जा रहा है, बट जी सिचुएशन है इतों की सानू लगता है कि होर भी ज़्यादा खराब होनी जा रही है। जिमें कि थोड़ा पता है कि इतनी सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई है क्योंकि कल की बॉम्बिंग शैलिंग हो रही है तो साढ़े फोन भी ऑफ करा दिए थे। इतना डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अपने फोन ऑफ रखो जब तक कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, हूँ ही साढ़े फोन ऑन हो। जिम्मे खाना पानी और पोलैंड के बच्चे जिनकी न्यूज आ रही है की उनको इवैक्यूएट किया जाएगा वो भी वहीं पे अभी फंसे हुए हैं। इसलिए साड़ी रिक्वेस्ट है इंडियन एम्बेसी में कि सानू जल्द तो जल्द इतो इवैक्यूएट किया जाए। सानू जिहड़ी एम्बेसी वालों है जल्द यही उम्मीद है कि जल्द जल्द कोई भी एक ठोस कदम लवेगी तो सानू सेफ्टी अपने घर पहुँचाएगी। साढ़े पेरेंट्स ने साढ़े एजेंट ने साढ़े सारे जिन्हें भी नाल बच्चे ने बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। सानू यही बस एको ही बेनती है कि एम्बेसी वालों की सानू ही जल्दी तो जल्द ही घर पहुँचाया जाए तो सेफ पहुँचाया जाए। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों भारतीयों की सुरक्षित वापसी और विश्व में शांति लिए गुरद्वारा बंगला साहब में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अखंड पाठ साहब प्रकाश किए गए। इस दे नाल ही दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों यूक्रेन में फसे भारतीयों लिए हैल्पलाइन शुरू की गई है क्योंकि संकट का सामना कर रहे भारतीय परिवारों नूं विदेश मंत्रालय और यूक्रेन के सफारतखाने नाल संपर्क करना पैंदा है। इसलिए उन्होंने बार बार दिल्ली आना पैंदा है। कुछ परिवार अजिहे ने जो आर्थिक तौर उत्ते समर्थ नहीं ने जिसलिए दिल्ली कमेटी वालों हैल्पलाइन बनाई गई है। अज धन धन बाबा प्रीतम बाला श्री हरकृष्ण महाराज जी दे स्थान ते दिल्ली दी समूह साध संगत वालों श्री अखंड पाठ साहब आरंभ कराए गए ने। सारी दुनिया नूं पता हैगा कि यूक्रेन दे विच युद्ध चल रहा हैगा ते साडे जिन्ने भी भारतीय उत्थे फसे होए ने और नाल ही समूह मानवता दे वास्ते असी अरदास बेनती कीती हैगी है कि भई उन्हां नूं इह युद्ध जल्दी जल्दी समाप्त होना चाहीदा हैगा और नाल ही भारत दे असी विदेश मंत्री नूं अज साडा मंडल जा रहा है मिलण वास्ते उन्हां नूं भी असी बेनती कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के साडे कोल कॉन्टैक्ट नंबर आ गए ने, उन्हां दे वीजा पासपोर्ट नंबर भी ने, फोन नंबर भी ने और उत्थे खास करके यूक्रेन फसे हुए लोग ने। रसिया नूं भी बेनती करना चाहवांगे और रोमानिया नूं भी जिहड़े नाल दे कंट्रियां ने उन्हां सारयां नूं बेनती करांगे कि जिहड़े भी भारतीय जा रहे ने उन्हां नाल राती मैं देख रहा सीगा टीवी ते ते उन्हां दे नाल मिसबिहेव हो रहे ने, उन्हां नूं लत्तां मार रहे ने, उन्हां नूं धमकाया जा रहा है और बहुत सारे लोग उन्हां दे यूक्रेन दे लोगों नूं पहलां कढ़न की कोशिश कर रहे हैं जबकि साडे भारतीयों नूं बहुत पिछे कढ़ रहे ने। इस करके मैं बेनती करना चाहवांगा साडे भारत सरकार दे विदेश मंत्री नूं और प्रधानमंत्री नूं कि इस इशू दे उत्ते सीरीयस एक्शन लेना चाहीदा हैगा और जिन्हें भी भारतीय साडे उत्थे फसे ने चाहे स्टूडेंट होण चाहे होर परिवार होण बहुत जल्दी तो जल्दी उन्हां नूं लियाना चाहीदा और सारे बार्डर जिन्हें भी नाल लगते ने वो खुलवाए जाने चाहिए ने। यह असी बेनती करना चाहवांगे। अज दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी विखे गुरद्वारा बंगला साहब अखंड पाठ साहब रखे गए हैं। विश्व शांति वास्ते जिहड़े दोनों देशों दे विच वॉर चल रही है उसनों किसी तरीके नाल रोकिया जाए ताकि गुरु साहब अगे चरणों में अरदास की गई है कि ये दोनों देशों दे विच वार नहीं होनी चाहिए। कुछ भी कारण रहे होण मगर उस वार दे नाल हमेशा मनुखता का संसार का धरती का बहुत नुकसान होंदा है। सो गुरु साहब कृपा करन कि दोनों देशों दे विच कोई भी दुविधा है तो उसनों आप सुलझाउन ताकि ये वार जल्द तो जल्द रुकनी चाहिए क्योंकि ये वार एक बड़ा रूप लेंदी जा रही है, होर भी देश दे विच इनवॉल्व होंदे जा रहे हैं। सो मैं चाहुंदा कि जिस तरह गुरु तेग बहादुर साहब ने असाम दे विच दो राजियां दी जंग नूं होण तो रोकिया से उन्होंने आपस सुलह सलाई कराई सी। मैं गुरु तेग बहादुर साहब नूं फिर अरदास करदा कि उन्हां दोनों दे विच भी किसी तरीके नाल सुलह सलाई करा के इस वार नूं रोकिया जाए और जिहड़े उत्थे बच्चे
भारत तो पढ़न वास्ते गए ने वो सारे बच्चे सुरक्षित आपो अपने घर में पहुँचन, क्योंकि उन्होंने माँ बाप भी बहुत चिंतित ने, पूरा भारत देश बहुत चिंतित है और बच्चे भी उत्थे बहुत ज़्यादा परेशान ने। जेके जिहड़े उत्थे पढ़न वास्ते गए ने उन्होंने नहीं पता सीगा भी इस तरह की वार उत्थे हो जाऊगी, जिदे करके उन्होंने ये दिन भी देखने पैणगे। सो गुरु साहब कृपा करन, जल्द तो जल्द वार रुकनी चाहिए है। DGCA ने कहा कि देश में अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ाणा की मुअत्तली अगले देशों तक वधा दिता। इस तो पहले 19 जनवरी मुअत्तली 28 फरवरी तक वधाया गया। भारत में अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ाणा कोरोना वायरस महामारी के फैलन तो बाद 23 मार्च 2020 तो प्रभाव नाल मुअत्तल कर दिता गया। दिल्ली हाईकोर्ट के 4 नवे जजां ने अहुदे की सहुं चुकी। हुण हाईकोर्ट में जजां की कुल गिणती 34 हो गई है। अदालत में वध तो वध 60 जजां की नियुक्ति हो सकती है। चीफ जस्टिस ने इन्हां नवें बने जजां नूं अहुदे की सहुं चुकाई है। डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम 21 दिनों की फरलो खत्म होने तो बाद सुनारिया जेल में वापस परत गया। राम रहीम के जेल पहुंचने के मद्देनज़र सुरक्षा वधा दी गई सी ते नेड़े तेड़े के खेत्र में घेराबंदी की गई सी। फरलो खत्म होने तो बाद राम रहीम सोमवार को करीब 11 बजे गुरुग्राम स्थित डेरे से निकलिया। करीब 50 मिनट का सफर तय करके राम रहीम सुनारिया जेल में पहुंचा। उस नाल 10 गड्डियों का काफिला सी। जेल और नेड़े तेड़े इलाकों में सुरक्षा लिए 100 तो वध पुलिस मुलाजमान लगाया गया। पंजाब विच 20 फरवरी नूं पईआं वोटां दे नतीजे आउण तों पहलां मुख चोण कमिश्नर डॉक्टर एस करुणा राजू वल्लों अज लुधियाणा विच प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई। इस मौके पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी विच डॉक्टर एस करुणा राजू वल्लों स्ट्रोंग रूमां दा भी निरीक्षण किया गया। डॉक्टर एस करुणा राजू वल्लों ईवीएम मशीनां संबंधी सियासी पार्टियां दे उम्मीदवारां नाल गलबात की गई। उन्हें कहा कि उन्होंने 4 विधानसभा हल्कों में वख वख स्ट्रोंग रूमां दा दौरा किया, जिथे आम आदमी पार्टी के नुमाइंदियां वल्लों स्ट्रोंग रूमां दे बाहर टेंट लगाया गया अते नुमाइंदे पूरी तरह संतुष्ट ने। डॉक्टर एस करुणा राजू वालों वोटों की गिणती दी तैयारियों संबंधी मीडिया को जानकारी भी दी गई है। लुधियाना के ईवीएम स्ट्रांग रूम्स की दौरा करने मैं इतने आया सी और काफ़ी जगह मैं वेख लिया परसनली। DC साहब अपना कमिश्नर साहिबान उस एरिया की RO साहिबान नाल लेके उत्थे जड़े भी अरेंजमेंट्स खास करके सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स माणयोग इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक जेड़े भी लग्या होया उसनों मैं फिर रिव्यू किया और सारिया जगह जेड़े भी कमीशन की हिदायतें हैं। 3 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी है। एक फर्स्ट लेयर CAPF की सिक्योरिटी, सेकंड लेयर स्टेट आर्मड पुलिस की सिक्योरिटी, थर्ड लेयर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की सिक्योरिटी, CCTV कैमरा दी टोटल कवरेज, फायर टेंडर दी व्यवस्था और पॉलिटिकल पार्टीज दी नुमाइंदे उत्ते बैठने वास्ते व्यवस्था, ये सारिया दी मैंने वेखिया हर जगह अवेलेबल है। और कुछ जगह ते पॉलिटिकल पार्टीज दी नुमाइंदे जेडे भी है उत्ते उन्हां दे नाल गलबात कीता, वो सैटिस्फाइड है और वेख रहे। इनफैक्ट जिहड़े भी डिस्प्ले लगे हुए उत्थे CCTV कैमरा दी वो वेख भी रहे हैं और कुछ अपने तरफ से उन्हां दा कैप्चर करके कैंडिडेट्स आपस दे विच भी शेयर कर रहे हैं। वो तो टेक्नोलॉजी का बहुत ही वधिया ढंग नाल यूज़ कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रशासन अते पुलिस वालों पूरा पुख्ता इंतजाम सिक्योरिटी का किया गया है। लोक सभा स्पीकर श्री ओम बिरला ने चढ़दी कला ग्रुप के चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह दर्दी को भारत के राष्ट्रपति वालों पद्मश्री सम्मान मिलने उत्ते मुबारकबाद पेश करदे कहा कि इस सम्मान नाल पार्लीमेंट में सेवावां निभाउण वाले संपादकां ते पत्रकारां दे सम्मान में वाधा होया है। श्री बिरला ने यह विचार सरदार जगजीत सिंह दर्दी नाल विशेष मुलाकात दौरान प्रगट किए। उन्हें कहा कि सरदार जगजीत सिंह दर्दी लोक सभा की कवरेज करने वाले अजिहे बिरले पत्रकार ने जिन्होंने 1996 तो बाद लगातार 26 साल अपनी शानदार कारगुजारी नाल हिंदुस्तान की पार्लीमेंट में विशेष स्थान बनाया। उन्हें कहा कि सरदार दर्दी लोक सभा की प्रैस एडवाइजरी कमेटी के 1998 मैंबर बने और उदों तो ही मीडिया में लोक सभा की कवरेज करवाने हमेशा यतनशील रहे ने। उन्होंने सरदार जगजीत सिंह दर्दी को पद्मश्री सम्मान देने भारत सरकार की शलाघा की है। सरदार दर्दी ने ओम बिरला की शलाघा करदिया उन्होंने वालों लोक सभा सैशन की कार्रवाई में सुचारू ढंग चलाने उन्होंने विलखण समर्था की भी शलाघा की है। अदारा चढ़दी कला के चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह दर्दी को पद्मश्री सम्मान मिलने की खुशी में गुरद्वारा शहीद अकाली बाबा फूला सिंह जी की प्रबंधक कमेटी वालों का सम्मान किया गया। इस मौके मैडम जसविंदर कौर दर्दी का भी सम्मान किया गया। इस दौरान प्रबंधक कमेटी ने पिछले कई दहाकों तो सरदार जगजीत सिंह दर्दी वालों पत्रकारी के खेत्र में निभाइया सेवावान की भरवीं प्रशंसा की भारत सरकार का धन्यवाद किया जिन्होंने सरदार दर्दी दिन सेवावान वेखद उन्होंने पद्मश्री सम्मान देने का फैसला किया।
जंडियाला गुरु दे नगर कौंसल दे सबका प्रधान राजकुमार मल्होत्रा मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। कांग्रेसी विधायक सुखविंदर सिंह डैणी ने उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया। उन्होंने कहा कि राजकुमार ने चोण प्रचार दौरान उन्होंने खिलाफ भद्दी शब्दावली बोली सी, जिस कारण उन्होंने चोण कमिशन में शिकायत दी सी। इलेक्शन आते हैं, चोण प्रचार चलता, हर पार्टी ने अपना प्रचार करना है, हर व्यक्ति ने कैंडीडेट ने अपना प्रचार करना, बट आप एक सभ्यक समाज के रहने हैं, एक सोसाइटी के रहने और बड़िया ड्यूरिंग इलेक्शन बड़े सोच समझ के जोड़े आ वो शब्द बोले जाते हैं और मेरे ध्यान से मामला जो इलेक्शन खत्म हुई इलेक्शन के दौरान भी आया सगा, पर मैं उदों क्योंकि इलेक्शन बिजी सगा और मेरे साथियों वालों बड़ा इस उपर इतराज जताया गया सी। किसी व्यक्ति वालों किसी व्यक्ति विशेष का नाम लैके उन्हों गालां कढ़निया चुनाव प्रचार के भाषण के माइक के उपर पब्लिकली इंसल्ट करना धीं भैन गालां कढ़निया मेरे ख्याल बहुत एक मंदभागी गल है, जिदी जिनी निंदा घट की जाए उन्नी घट है और मैं जोड़ा सगा मैं बतौर एज ए उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के और मैं यदि कंप्लेंट जी सी चोण कमिशन को की सी। और इलेक्शन कमिशन ने रिटर्निंग ऑफिसर ने इस शिकायत के उपर कार्रवाई करद जरा मामला दर्ज किया। दिल्ली नाल लगते साइबर सिटी गुरुग्राम में एक सी एन जी पंप उत्ते तीन कामें का कतल होने नाल दहशत फैल गई है। शहर के सैक्टर 31 एक सी एन जी पंप उत्ते तीन कामें का एतवार देर रात कुछ लोगों ने कतल कर दिता। पुलिस ने कहा कि घटना एतवार देर रात करीब 2:40 की है। कुछ लोगों ने इन कामें उत्ते तेजधार हथियारों नाल हमला किया। मृतकों का संबंध उत्तर प्रदेश नाल दसया जा रहा है। पुलिस ने कहा कि हमलावरों की भाल जारी है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के सबका उपकुलपति घट गिणती कमिशन सिक्ख्या के मैंबर डॉक्टर जसपाल सिंह की माता सरदारनी प्रीतम कौर का देहांत हो गया। उन्होंने नियमित पाठ के भोग से अंतिम अरदास 7 मार्च 2022 को 12 से 1 तक विकासपुरी के गुरद्वारा साहब होगी। सरदारनी प्रीतम कौर के अकाल चलाने उत्ते अदारा चढ़दी कला के चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह दर्दी वालों भी परिवार को दुख साझा किया गया। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इन्ना ही, जाते जाते नज़र मारते हैं मौसम के हाल उत्ते। बने रहो चढ़दी कला टाइम टीवी के साथ। धन्यवाद।